दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत का सबसे लंबा आदमी के बारे में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत का सबसे लंबा आदमी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, यही है भारत का सबसे लंबा आदमी। चलिए आइए आपको पूरे डिटेल में बताते हैं इनके बारे में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें भारत अजूबों का देश है जहां अलग अलग शहरों से कई महान लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है। सौ हाथियों की ताकत से लेकर 200 किलो के हथियार से जंग लड़ने जैसे अद्भुत किस्से हम अपने इतिहास में सुनते आ रहे हैं। भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के मुकाबले फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा है। हर व्यक्ति अपने टैलेंट को फेमस करने के लिए उसके जरिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। कई लोगों के पास जन्म से ही कुछ खास खूबियां हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते हैं। आपको बता दें, अंतरिक्ष से छलांग लगाने से लेकर अपने शरीर पर आग लगाने तक ऐसे कई खतरनाक, अजीबोगरीब और आश्चर्यचकित कर देने वाले रिकॉर्ड जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे रिकॉर्ड को अंजाम देने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से नहीं कतरा रहे हैं। चलिए दोस्तों आपको बता दें भारत का सबसे लंबा आदमी कौन है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार भारत के सबसे लंबे आदमी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी लंबाई 8 फीट 1 इंच है। इतने लंबे होने की वजह से वह साधारण लोगों की तरह चल फिर भी नहीं सकते हैं। साथ कमाई के लिए उन्हें जॉब ढूंढने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी हाइट की वजह से वे अपने क्षेत्र के जाने पहचाने आदमी बन गए हैं। इनकी ऊंची हाइट की वजह से इन्हें मेले और सर्कस जैसी जगहों पर बुलाया जाता है। लोग इनको अपने साथ खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। 35 साल के धर्मेंद्र कुमार को अपनी लंबाई के चलते अभी तक कोई जीवन साथी नहीं मिला है। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेंद्र का कहना है 8 सदस्यों वाले परिवार में पहले उनके पिता की लंबाई सबसे अधिक थी। उनके पिता की लंबाई 6 फीट थी। धर्मेंद्र का कहना है, जब उनकी लंबाई अचानक तेजी से बढ़ने लगी तो उनके परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी यह नहीं समझ सके कि लंबाई अचानक क्यों बढ़ रही है। धर्मेंद्र का कहना है कि उसकी लंबाई उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों आपको लग रहा होगा धर्मेंद्र की लंबाई ज़्यादा है तो वे बहुत कुछ खाते होंगे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उनका डेली रूटीन में क्या खाना है। धर्मेंद्र के अनुसार वे नाश्ते में 1 लीटर दूध, 4 अंडे और 2 सेब रोजाना खाते हैं। इसके अलावा खाने में दाल चावल, रोटी सब्जी और सलाद खाते हैं। वही शाम के समय वे हल्का खाना खाते हैं। इस समय धर्मेंद्र का वजन 100 किलो है। आपको बता दें, धर्मेंद्र की अभी शादी नहीं हुई है। धर्मेंद्र का कहना है कि अभी किसी लड़की ने उन्हें पसंद नहीं किया। यदि उनके पास सरकारी नौकरी होती और अच्छा वेतन मिलता तो शायद उनका घर बस जाता। धर्मेंद्र की लंबाई देखकर चौंक जाते हैं लोग। धर्मेंद्र अगर बाजार में भी निकल जाते हैं तो धर्मेंद्र को देखकर लोग चौंक जाते हैं और साथ में फोटो खिंचवाने लगते हैं। लेकिन लंबाई किसी आदमी के लिए परेशानी बन जाए वैसा लंबाई भी ठीक नहीं होता है। वहीं बच्चे धर्मेंद्र को देखकर हैरत में पड़ जाते। बच्चे पूछते हैं कि अंकल आप इतने बड़े कैसे हो गए। लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि धर्मेंद्र की शादी बहुत जल्द से जल्द होने वाली है। दोस्तों आप सभी लोगों का क्या कहना है धर्मेंद्र के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियो दिख रही हैं। देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।